हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आइए करते न्यू ब्लॉग की शुरुआत। आज की ब्लॉग की शुरुआत हम हीना से कर रहे हैं। हीना कर रही है नाश्ता। मैं हीना दिखाती रेडी हूँ। हो गई है, देखो तैयार हो गई है और नाश्ता कर रही है। आज हमने मंगाए छोले भटूरे, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता बनाने का टाइम नहीं था किसी के पास, तो बच्चे भी कहते छोले भटूरे मंगा लो मम्मी, तो छोले भटूरे मंगाए हैं। तो हीना नाश्ता कर रही है क्योंकि हीना बहुत जल्दी में है, क्योंकि हीना को जाना है वहाँ फार्म हाउस पे जहाँ हमारी कॉकटेल है, तो वहाँ मेहंदी वाला पहुँचने वाला है, तो इसलिए इसको जल्दी हो रही है कि मैं फटाफट मम्मी आधा भटूरा खा लेती हूँ। और हीना कैसा लग रहा है आज का दिन? अच्छा लग रहा है ना? खुशी है ना? नर्वस और एक्साइटेड दोनों। दोनों। तो हीना हीना ने आज पहना है ये कोट सेट कोट सेट, ये देखो अभी आपको दिखाती हूँ मैं। हीना का ये कोट सेट बहुत सुंदर है जो इसने पहना हुआ है। काफी कंफर्टेबल भी है। हाँ, तो मैं अभी इसका पूरा लुक आपको दिखाऊंगी। तो हीना नाश्ता कर गई। मैंने कहा पहले नाश्ता कर ले, कोई बात नहीं, क्योंकि मेहंदी वाला वहाँ पहुँचने वाला है, तो इसको भी पहुँचना ज़रूरी है ना। कोट तो सेट इसलिए कितना इतना सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत कलर भी बहुत सुंदर है और ये भी सुंदर है देखो, ये और सॉफ्ट बहुत है, पहनाओ बहुत अच्छा कंफर्टेबल है, है ना। बहुत अच्छा हीना है। आज बहुत खुश है अपनी उसके कॉकटेल के लिए। बहुत नर्वस भी हूँ मेहंदी मैं। लगवाने जा रही है, मेहंदी का भी आपको दिखाऊंगी। अभी तो ये निकल रही है, हम जाएंगे बाद में। मेरे फ्रेंड्स वहां आ रहे हैं, मैं अकेली ही नहीं जा रही हूँ। हाँ, इसके मनीष भी फ्रेंड वही है। मनीष, इसके फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं ना, तो ये उसके साथ जा रही है, तो हम लोग अभी थोड़ी देर, घंटे डेढ़ घंटे बाद, इसके बाद में मेरी निकलेंगे। मेहंदी में कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे, उन्होंने हाँ बोला है, हाँ तो ठीक, इसलिए मैं जा रही हूँ फटाफट। ओके। मैं जा रही हूँ वेन्यू पे, क्योंकि हीना वेन्यू पे पहुंच चुकी है जो कॉकटेल के लिए है फॉर्म हाउस, वहाँ उसकी मेहंदी लगनी शुरू हो गई है। तो कह रही मम्मी तू भी आ जा, मेरी फ्रेंड अभी आने में थोड़ा लेट हो रही है, तो मैं वहाँ पे अब जा रही हूँ। वैसे मनीष है वहाँ पे अभी, तो बस मैं भी जा रही हूँ वहीं पे, तो तैयार मैं वहीं हूँ। अभी जो घर के कपड़े पहन रखे थे वही पहन लिए थे, ये कान के मैंने उतारे थे, तो मैंने कहा दूसरे पहनूंगी, वो भी पहनना भूल गई। बस जल्दी जल्दी में उसका फ़ोन आया, तो मैं कपड़े भी वहीं जा के चेंज करूँगी। अभी जब तक और कोई नहीं आएगा, फिर मैं भी साथ साथ मेहंदी लगवा ही लूँगी। तो मैं जा रही हूँ वेन्यू पे। घर पे आए हैं सामान, हम मनीष के घर पे आए हैं, कुछ सामान था वो लेने आए। देखो साइबर आके ना, देखो गैलरी में हमें देख रहे हैं। हीना की मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है, ये स्टार्ट देखिए। देखो कितनी लग भी गई, हाँ, एक कितने पैर पे लग, तो कंप्लीट है। ये देखिए हीना की मेहंदी, भैया ये पैरों में भी लग रही है। को मत हिलाना, बस नहीं, एक पे तो लग भी गई। हाँ अच्छी है ना। बहुत सुंदर। हीना की मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है, अब हीना बैठ गई है, इसके बाद अब सब मैं कुछ हो लगवा गया। लूँगी, क्योंकि हाँ मैं टाइम से पहुंच गई हूँ यहाँ पे। ये प्रियंका है हीना की फ्रेंड, कैसे हाय, हो? इसका मैं भी नाम ठीक प्रियंका ही हूँ। है, इसका नाम प्रियंका है। प्रियंका प्रियंका। हाँ, क्या कर रहे हो? नेल पेंट लगा रहे नेल हो? पेंट लगा रहे जल्दबाजी में, हाँ, मैं भी अभी लगाती हूँ, मैंने भी नहीं लगाया, बस हाथ अभी का फ्रेश लगाना होके आ है। गई मैं फटाफट। पापा काम कर रहे हैं, ये सुबह से यहीं आना जाना लगा हुआ है, बस ये अब अभी मेरे को लेके आए नींबू हैं। नींबू भी ले आया है पापा, नींबू लेके नींबू वहां पे लगा के विक्स भी आया, विक्स मम्मी। भी लेके पापा पापा आया नींबू और नींबू विक्स लेके हाँ आए। और जी, कैसा लग रहा है जीना की मेहंदी है? बहुत अच्छा लगा। मेहंदी लगनी शुरू हो गई है, आप भी जाओ शेव कटिंग करवा लो मैं जाके टाइम जाऊंगा से। अब, ऊपर पानी हाँ, जोड़ कर डाल क्योंकि दूंगा। अब मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो अब यहीं हूँ। हाँ अब लाने की जरूरत, कुछ सामान हम देख रहे हैं, कुछ रह गया तो चाहिए होगा लेता तो मैं हूँ, बता हाँ मतलब दूंगी, बता देना। बता करते दूंगी। हैं कैसा बात करूंगी। थोड़ा सा कर दीजिए, जैसे वो मस्किन नहीं लगती था उसको। थोड़ा भी दे पापा। ये अभी अभी गीता और बच्चे पहुंचे हैं लोकेशन पे, वो तो आएगी, उसमें क्या है। दिखाओ दिखाओ, इनको जूम और करके दिखाऊंगी ये रहे दोनों, सन्ना और वो। दिखा ऐसा लगा नाम है, क्या लिखा है। बढ़िया है, हीना की शादी, हीना की मेहंदी है आज। हाँ अभी दीदी वो तो नहीं है, पाया, मेहंदी मनीष लग का गई उनकी। फ्रेंड है, मनीष को हाँ, दे अभी देंगे। तो नहीं मिल पाएंगे। मनीष का है। हाँ क्या है थोड़ा भाई, सा दे,
और ना सॉन्ग लगा के मैंने नहीं नहीं अब पीछे हां हेलो हेलो काम एकदम ठीक है। तुम ऑटो में बैठ गई? देखो एंजॉयमेंट के लिए देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। ये बहुत बढ़िया। ना ना तू एक बार दोबारा बना ले, मैं बोलती हूँ। मेरी मेहंदी लग चुकी है देखो, आगे की तो पूरी फिनिश है, बस पीछे आगे सूखेगी तभी पीछे लगेगी, और पैरों की लग चुकी है। सुंदर लग रही है ना, कितने सुंदर सुंदर डिजाइन बनवा रही है। मम्मी इधर तो देखो, फेस दिखाओ अपना, फेस दिखाओ, फेस थोड़ा मुस्कुराओ, फेस मत छुपाओ, वो कह रहे थोड़ा मुस्कुराओ है ना, और क्या थोड़ा मुस्कुराओ। हम नोनी पीछे देख लियो भाई, बस मेहंदी बहुत सुंदर लग रही है, डिजाइंस वगैरह बहुत अच्छे हैं। हिना की मेहंदी भी बहुत सुंदर लगी है, मेरे भी डिजाइन अच्छा लग रहा है। बाल बना रहे हो? सॉरी बनवा रहे हो? मेहंदी देखो अच्छी लगी है ना, बहुत सुंदर डिजाइन, बहुत अच्छे लगा रहे हैं भैया। उस वाली साइड से दिखाओ, आपने लिखवाया कुछ? हाँ ये दुल्हन की नाव। और यहाँ पे देखो मोहल्ला, ओह सही है ना, अच्छा लग रहा है ना। हाँ मेरे मनीष भी अच्छा लग रहा है, कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा लग रहा है, शर्ट का कलर बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू। देखो हाँ वो देख, वो चल निकल गया ना, मैंने देखा नहीं, और मनीष के बहुत सुंदर लग रही है शर्ट। थैंक यू बुआ, ये अच्छा किया तुम लोगों ने, कुर्ता पजामा नहीं लिया, ये लिया बहुत अच्छा है। होने वाला ऑलमोस्ट आपका भी पूरा मेकअप, कितना बाकी दीदी अभी टच अप बाकी, मतलब अब आपकी मेहंदी हट गई, मेहंदी हट गई। हाँ पता है मेहंदी लग गई, वो देख बैग से लग गई, ये रहा इसको दबाएगा कोई, अभी तक गया नहीं, मेहंदी से लग गया है। बोतल निकाल दो पानी, चल रख दे, सूखी हुई है, लगवा लो उसको भी कॉल करना है, पता फोटोग्राफर पानी की बोतल आ गई है किले वहीं पे बेटा बेड पे ही पड़े हैं, सॉरी वो सोच के पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ वो घुमा घुमा के आया था बुला लो वाला, आप ठीक है देखो ये भी उतार आया, अभी इसने ही पहना हुआ था, एक बार आती है।
शादी शादी में भी दुआना है, कॉकटेल पे बीमार पड़ जाएंगे फिर। अंग्रेजी पढ़ी बिग बिग डोरिया, तू कैंटी बिग बैंग।